हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरह से गार्डनिंग एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, अभी विंटर आ गया है और विंटर में फूलों का सीज़न आ गया है और सभी फूल लगाने में व्यस्त होंगे, तरह तरह के रंग बिरंगे वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स। तो अभी एक ऐसा ही फ्रूट्स का भी समय आता है, वो है स्ट्रॉबेरी, जो देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चों का फेवरेट होता है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी का पेड़ है, प्लांट है, तो आप उसकी केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बहुत सारी मात्रा में आपको फ्रूट्स चाहिए तो उसकी केयर करने शुरू कर दीजिए। अक्टूबर में इसकी अच्छी तरह से केयर कीजिए और इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। तो ये एक ही मेरे पास मदर प्लांट था। तो स्ट्रॉबेरी में सभी जानते हैं कि बहुत रनर निकलते हैं, आप एक रनर से कई प्लांट बना सकते हैं। तो इसी तरह ये मेरा प्लांटर भर गया है अब। तो सबसे पहला काम, इसकी गुड़ाई कर लीजिए अच्छी तरह से और जितने भी खरपतवार है, एक्स्ट्रा फालतू पत्ते वत्ते निकाल दीजिए और इसको फर्टिलाइज कर दीजिए। तो आप इसकी मिट्टी सबसे पहले तो बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड पोरस मिट्टी बनानी होगी और साफ़ सुथरा करने के बाद इसकी मिट्टी में क्या क्या लेना है मैं बता रही हूँ। देखिए, इसकी मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट और ओनली सॉयल, और आप अगर चाहे तो 10% रेत मिला सकते हैं। मेरा मानना यह है कि रेत भारी कर देता है और इसका सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जो गुड़ के साथ फर्मेंटेशन करके बनाया हुआ है मेरा घर का, जिसमें एक छोटी सी चाय की कप मैं फर्टिलाइज़र इस मिट्टी में डालूंगी और 2 कप पानी, आपके पॉट के हिसाब से और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना इसका क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। तो इस तरह मैंने मिट्टी में ही फर्टिलाइज़र को मिला लिया है और मिलाकर इस पूरे प्लांटर के मिट्टी के ऊपर में इसको मैं डाल दूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी में मिलाकर भी दे सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मस्टर्ड केक जो होता है बहुत ही गर्म करता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको डायरेक्ट हम डाल देंगे पानी मिलाकर ही तो इसके रूट्स डैमेज हो सकता है। मैं ऐसे ही डालती हूँ, इसलिए मैंने आप लोग के साथ ये शेयर किया है। और नारियल का छिलका लेंगे और उसको एक बेड के समान इसके पूरे मिट्टी में बिछा देंगे, क्योंकि अभी फ्रूट्स आने का समय हो रहा है और स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स जो है मिट्टी में सटने से ही ख़राब हो जाता है। तो इस तरह मैंने इसमें बेड लगा दिया है और एक्स्ट्रा जो रनर निकलते हैं तो देखिए उससे कई प्लांट भी बन जाते हैं। और एक प्लांट आप नर्सरी में 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ करके लेगा तो एक प्लांट से कई प्लांट भी बन जाते हैं ईजीली बिल्कुल। तो इस तरह किसी भी पॉट में या प्लास्टिक के कंटेनर में आप जो भी इसके रनर जो डायरेक्शन में निकल रहे हैं वहीं पर रखिए इसके एक प्लांटर को, और उसके जो रनर है उसको मिट्टी के ऊपर रखिए। और रनर के ऊपर में कभी भी मिट्टी नहीं डालना है, आपके पास तार होगा तो ठीक है, क्लिप है तो क्लिप को फैला लीजिए और उससे उसको दबा दीजिए। याद रखिएगा, इसके ऊपर मिट्टी नहीं डालना है, सिर्फ मिट्टी में टच किए हुए रहना चाहिए। अगर मिट्टी डालेंगे तो ये तुरंत गल जाएगा। तो इस तरह मैंने 2 प्लांट और बन जाएगा इसका। तो खैर, अभी प्लांट तो रेडी कर लेना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग के कारण, आप लोग को दिखाने के चलते मैंने ये शेयर किया है। और इसी तरह एक प्लांट से कई प्लांटर भी बन जाते हैं, पॉट भी बन जाते हैं और आप किसी फ्रेंड्स फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में और शेयर कीजिए। थैंक यू।